हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस चैनल पे कुछ नई पहल की गई है, कुछ नया आपके लिए लाया गया है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं और वीडियो प्ले हो चुकी है, तो आपने पहली स्लाइड देख चुकी है अपने सामने। आपने करंट अफेयर्स की है, ये एक नई पहल है, एक नई कह सकते हैं आप कोशिश है आप लोगों को कुछ नया देने के लिए। पूरे सेशन को अंतिम तक देखिएगा, सेशन में बहुत कुछ ऐसा है अच्छा जो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें हैं। आप जैसा कि सामने अपने देख रहे होंगे, मैंने इतने सारे लोगोज जो आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे सामने आपके, इससे आप समझ सकते हैं कि ये सारी न्यूज़ कहाँ कहाँ से ली गई है। फिलहाल जस्ट मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिज़नेस स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा होगा सामने, DD न्यूज़ नज़र आ रही है, PIB से न्यूज़ हमने ली है, द हिंदू और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, मतलब जितने भी ऑथेंटिक आपके लिए वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको बेनिफिशियल न्यूज़ दी जा सकती है, उन सब का इस्तेमाल मैंने किया है इस पूरे सेशन में आप लोग को 13 अक्टूबर की न्यूज़ प्रॉपर देने के लिए। आप पहली बात समझिएगा कि आज अगर सेशन बन रहा है, ये सेशन भले से आपको आज लेट मिल रहा है, लेकिन कल से जो सेशन रहेगा आपको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सुबह तक आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर मैं सुबह सेशन बना करके आपको दूंगा, इसका मतलब कि वो जो न्यूज़ रहेगी वो एक दिन पहले की रहेगी। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस सेशन को पूरा पर डे आप देखिएगा और उसे याद कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मेरा अपना तरीका रहेगा और कुछ अलग और कुछ अच्छा आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, नीदरलैंड के नरेश, मतलब कि नीदरलैंड के जो राजा हैं विलियम एलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा, जो विलियम एलेक्जेंडर वहाँ के राजा और महारानी मैक्सिमा हैं, 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुँच रहे हैं। और 2013 के बाद जब से उन्होंने पदभार संभाला है, ये उनकी पहली सरकारी यात्रा है, मतलब किसी भारत के लिए। ठीक है, भारत में आने के बाद ये कहाँ कहाँ जाएंगे, दिल्ली, मुंबई और केरल रवाना होंगे, ऐसा न्यूज़ में था कि ये इनकी इनके इनका इनको जो आमंत्रण दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ है, ये दोनों न्यूज़ न्यूज़ ऑन एयर से हमने ली है। पोप फ्रांसिसी ने वेटिकन सिटी में एक समारोह में भारतीय नन नन मतलब लोग जानते हैं जो मोनास्ट्री वगैरह में होती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं धर्मशाला टाइप की वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ही होती हैं, जैसे जैसे फादर चर्च में होता है वैसे ये होती हैं, मरियम थ्रेसिया, जो कि अब इस समय हमारे बीच तो नहीं है, और 4 अन्य को संत घोषित किया। समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री वी समारोह में भारतीय नन मारियम थ्रेसिया और 4 अन्य को संत घोषित किया। समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया, जो भारत के राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज जिन्हें मिला है वो मुरलीधरन जी हैं, उनको किया गया है। आपको पता होगा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस समय, बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग, एस जयशंकर जी। ठीक है, ऐसे जो बीच में फैक्ट आप लोग को बताते जाऊंगा वो भी आप लोग नोट करते जाएगा, मैं भले से यहाँ पर लिखने में जब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी फिलहाल, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपको उस चीज़ को अच्छी तरीके से याद करना है और एक नोट साथ में रखिएगा जिससे आप लोग उसे बना सके। ठीक है, फिलहाल ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक चीज़, यहाँ पर एक छोटा सा ये जो पैरा बना हुआ है, ये मोदी जी ने इनके बारे में 29 सितंबर को कहा था, मन की बात में इनके बारे में बता दिया गया था, क्योंकि भाई ये जो देश की वार्ता होती है इस बीच ये सब बातें डिस्कस हो चुकी, तो उन्होंने बताया था उस समय कि इनके कार्यों जो 1914 में इन्होंने कार्य किया था, जो फाउंडेशन का की स्थापना की थी इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके थ्रू उस चीज़ के लिए इन्हें आज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं हम। थर्ड न्यूज़ है नीदरलैंड के एलमियर, तीसरी न्यूज़ जो आपकी है वो स्पोर्ट्स है, आप लोग समझ रहे होंगे, नीदरलैंड के एलमियर में भारत के लक्ष्य सेन नई बैडमिंटन के क्षेत्र में पहली बार नाम सुना जा रहा है इस तरीके से, लक्ष्य सेन ने डच ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज लक्ष्य सेन ने जापान के यूसेका अनोडेरा को 15-21, 21-14 और 21-15 से पराजित किया, ये न्यूज़ थी। अब हम देखते हैं, पहली बात तो बैडमिंटन का नाम जब सुनते हैं तो भारत के तौर पर जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो किया और जिन्होंने काफ़ी लंबे समय संभाला वो पी कश्यप थे, जो कि इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो चुके थे, बट लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट जीता है। इसके पहले हम देखते हैं नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम। ठीक है, और वहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। अगर आपको नाम में मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो रही तो आप नेट पे इस चीज़ को देख सकते हैं, नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टरडैम, करेंसी यूरो है वहाँ की, और जापान की क्या है, जापान की टोक्यो है, सॉरी जापानी कैपिटल क्या है, टोक्यो, और वहाँ की जो करेंसी है वो चलती है वहाँ पर येन। ठीक है,
और जापान के साथ भारत की दो एक्सरसाइज भी आप लोग जान जाए, एक मालाबार होती है और एक धर्म गार्जियन, जिसका आज में ही आज ही की न्यूज़ में आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये न्यूज़ क्या थी कि लक्ष्य सेन ने जो वहाँ पे बैडमिंटन ओपन है उसे जीता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आप लोग देख लीजिए जरा सा, ये हमारे भले से आप लोग पढ़ाई कर रहे, देखिए किसी भी पेपर की तैयारी के लिए हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हमारा सुपर 60 ऐप है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है ये। प्ले स्टोर पर जाकर के आप सुपर 60 कोचिंग सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि हर एक चीज़ पर बेस्ड क्विजेस मिलेंगे। सबसे बड़ी बात वो बाइलिंगुअल है, जैसे कि मेरा सेशन जो है ये बाइलिंगुअल नहीं है आज का, आगे मैं कोशिश करूँगा अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो बाइलिंगुअल करूँगा उसे, लेकिन फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो क्विजेस आपको मिल जाएंगे। स्टडी जोन में आप जब जाएंगे तो वोकेबलरी और कई तरीके की ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप एसटी वगैरह भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी कुछ सब कुछ आप खुद वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं तेज़ हूँ, और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो समझिए करंट अफेयर से बोरिंग नहीं बनाना है मुझे। ठीक है, इस वजह से मैं फास्ट पढ़ाऊँगा, बस आप लोग कंसनट्रेटेड होकर के सुनिए और जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बस फॉलो करिए, आपको अपने आप तैयार हो जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है हमारे सामने, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन है मंजू रानी को रजत पदक मिला। नया नाम आप लोग देख रहे होंगे, आज तक अगर मुक्केबाजी की बात हुई तो हमने मैरी कॉम को ही सुना था, बट यहाँ पर मैरी कॉम ने भी जीता है इसमें, बट वो कांस्य पदक से उन्हें संतोष करना पड़ा। मंजू रानी जो है वो फाइनल में पहुंची और फाइनल में जाकर उन्हें हार का सामना पड़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने रजत पदक जीता, इसलिए आज उनका नाम यहाँ पर आया है। 48 किलोग्राम वर्ग में ये इन्होंने फाइनल में रूस की एकातेरिन पालसेवा को 4-1 से मात दी, मतलब रूस की एकातेरिन पालसेवा जो थी उन्होंने इन्हें 4-1 से मात दी और वहाँ पर यह हार गए, इसलिए इन्हें सिल्वर मेडल और उन्हें गोल्ड मेडल मिला। रूस की जो राजधानी है वो मैं आप लोग को बता दूँ मॉस्को है, और जो वहाँ पे करेंसी चलती है वो रूबल चलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, इससे नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है काम की। इससे पहले 6 बार की चैंपियन एमसी मैरी कॉम, जिनका नाम आपने सुना है, 6 बार की चैंपियन रह चुकी है लवलीना बोरगोहाई, और जमुना बोरो को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की ओर सबसे जो सफलतम खिलाड़ी रही हैं वो मैरी कॉम ही रही हैं इस बार भी, लेकिन उन्हें उन्हें बस केवल कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा है। नेक्स्ट, भारत और एशियाई विकास बैंक, मतलब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत और एशिया विकास बैंक ने राजस्थान में सड़क निर्माण के लिए 19 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्य में 754 किलोमीटर राजमार्ग को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया गया। जैसे ही आपके सामने नाम आया सड़क वगैरह का, MSME वगैरह का, तो आपके नाम सीधा आपको क्लिक करना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है, हमारे नितिन गडकरी जी के पास है। नितिन गडकरी जी कहाँ से हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, इतना याद हो गया। उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं तो आपको मैं बता दूँ, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और उसके बाद रोड एंड नेशनल हाईवेज वगैरह। आगे मैं न्यूज़ है उसमें आपको क्लियरफाई कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ किसके बीच, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुआ है राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए। पैसा कितना इसमें लगेगा, 19 करोड़ डॉलर, 119 मिलियन डॉलर। ठीक है, ADB के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक आखिर है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन जो हुआ था आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है मंडालो यंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। वापस से ध्यान दीजिएगा, आप एक एक करके मत याद करिए, जैसे मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ वैसे याद करिए आपको याद हो जाएगा। मंडालो यंग मेट्रो मनीला फिलीपींस, फिलीपींस के मेट्रो मनीला में है, वहाँ पर मंडालो यंग नामक एक जगह है, वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 68वां देश जो अभी 2019 से बना है उसका नाम न्यू है। न्यू की जो कैपिटल है मैं बता दूँ आप लोग को, अलोफी है, और वहाँ की जो वो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है। ठीक है, क्लियर है, कोई भी इशू रहा करे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, वहीं पर आपको तुरंत इशू सॉल्व कर दिया, तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगला, वर्ल्ड बैंक ने भारत का की GDP रेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 20 में 6% और फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.9 रहने की बात कही है। ये देखिए जो इंडिया की जो GDP वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन जो पूरे विश्व में काफ़ी एक अच्छा अपना प्लेस रखती हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में, वो अपने अपने एस्टिमेशन देती हैं। तो इस बार जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए दिया है, कई बार फ्लक्चुएट हुआ है ये जो आर्थिक मंदी है उसकी वजह से। मैं कल आप लोग एक लिस्ट दे दूंगा जहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या अपने अपने एस्टिमेशन दिए हैं, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। OECD ने कुछ दिया है, RBI ने भी कुछ इवेलुएट किया है, तो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट अभी कुछ दिनों पहले कुछ और कही थी, अब उसने उसको बदला है और फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 6% रखा है और 2021 के लिए 6.9% GDP रहेगी, ऐसा उसका मानना है। जैसे कि हमने ADB के बारे में सुना, वैसे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1945 में हुआ था, मतलब कि आज से 74 साल पहले। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में अमेरिका में है, और इसके मेंबर कंट्रीज जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं।
इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास जो कि यूएसए के ही हैं, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा है, क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। ये जो एडीबी, और यहाँ पीछे अगर हम आते हैं एक बार, 1 मिनट, यहाँ पीछे हम आते हैं तो एडीबी और यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक, इसका आप लोग अलग से नोट्स कहीं बना लेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे सवाल हमेशा अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा लघु एवं मझला उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये जो इनकी एमएसएमई मिनिस्टर एंड रोड एंड नेशनल हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जो मैंने आपको बताया कहाँ से हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, ये कल मतलब आज के दिन 14 तारीख को नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्टैग, जो इनका एक अभियान एक राष्ट्र एक फास्टैग पर एक सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। ठीक है, देखिए इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड स्मॉल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कहाँ से, फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ और काम की चीज़ बता देता हूँ, एमएसएमई मतलब क्या, ये जो होता है इसमें हम अपने उनको बांटते हैं जो भी हम व्यापार वगैरह कर रहे हैं उसमें। ठीक है, 1 मिनट, तो इसके अंतर्गत चीज़ें आती कैसे कि 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर किसी कंपनी का है तो उसको माइक्रो मतलब कंपनी कहेंगे, स्मॉल कंपनी किसको कहेंगे जिसका टर्नओवर जो है 75 करोड़ तक का, और मीडियम कंपनी किसको कहेंगे जिसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ तक का है। ठीक है, 5, 75, 250, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, एमएसएमई 5, 75, 250। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, क्लियर है ना ये, अगर नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री कल्चर एंड टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर जो हमारे हैं इंडिपेंडेंट चार्ज हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब पहले समझ लीजिए कि वो नेता जिनको जिन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जाता है और इंडिपेंडेंट चार्ज कहा जाता है, इसका मतलब कि उनके ऊपर उस मिनिस्ट्री में कोई और मंत्री नहीं है, उसका पूरा कार्यभार उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो न्यूज़ पढ़ते हैं हम, प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन। एक न्यूज़ और मिली आपको कि एमपी के जो राज्यपाल इस समय कौन है, एमपी के राज्यपाल जो है लालजी टंडन जी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, और आपकी यूपी के कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मैं एक लिस्ट इसकी अलग से प्रोवाइड आप लोग करा दूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको कल ये लिस्ट दे दूँगा सारे गवर्नर्स की जो भी रिसेंट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री लालजी टंडन कल मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर के गोल बाजार स्थित महाकौशल शहीद ट्रस्ट में शाम 6 बजे 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये एड्रेस आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन हाँ इतना जानिए कि मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में वहाँ के राज्यपाल जो थे उन्होंने 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया या फिर करेंगे। ठीक है, मतलब आज 14 तारीख को वो कर देंगे। इनके बारे में जान लीजिए, प्रहलाद सिंह पटेल जी की तस्वीर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय इन्हीं के पास है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, कौन क्षेत्र, दमोह एमपी से हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 9वीं खबर क्या है आज की, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, पीछे मैंने बताया आपको कौन से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, दमोह एमपी ने ब्राज़ील के क्यूरिटिबा में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबके जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं उनकी जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया, और कहाँ हुई थी, वो ब्राज़ील के क्यूरिटिबा, ब्राज़ील की जो क्या कहते हैं वो कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया, वहाँ की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे की न्यूज़ देखते हैं हम लोग। भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2019, मैंने आपको बताया कि भारत और जापान के बीच दो एक्सरसाइज होती है जो कि मैंने बताया, धर्म गार्जियन और एक मालाबार, जो मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, तो जो धर्म गार्जियन 2019 का आयोजन जो 19 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक भारत के वैरेंट में स्थित इंसर्जेंसी वॉरफेयर स्कूल, ये भारत में एक स्कूल है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी भारत और जापान की सैन्य सहयोग की। फिलहाल इतना जानिए, इंडिया जापान की जो एक्सरसाइज होने वाली है धर्म गार्डन 2019, उसका आयोजन 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पीआईबी से वो न्यूज़ ली गई थी, ऊपर देखिए मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ कहाँ से ली गई थी, अगर आपको थोड़ा भी इशू है तो आप वहाँ जा करके इस न्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, डीज इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कब, 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इसकी थीम इस बार क्या थी, रिड्यूस डिज़ास्टर डैमेज, जो महामारी वगैरह डिज़ास्टर वगैरह जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके जो उससे जो डैमेज होता है उसको कम करना, टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज, जो कि जो साधारण मूलभूत चीज़ें होती उनका और जो बहुत मुश्किल से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं उनको उनका जो डैमेज उसको कम किया जाए, इस चीज़ को देख करके हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को मनाया जाता है। क्यों मनाया, देखिए यहाँ पे लिखा, टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस, रिस्क से जो अवेयरनेस लोगों में हो इस चीज़ को वैश्विक तौर पर बढ़ाने के लिए, एंड डिज़ास्टर रिडक्शन, और जो प्राकृतिक आपदा वो कम हो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को, इस डे को मनाया जाता है। अगली खबर देखिए,
एस स्प्रिंटर दुती चंद। एक्चुअली ये जो लास्ट की खबर है इंग्लिश में है, क्योंकि ये यूएन डॉट ओआरजी से ली गई थी खबर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ नहीं था और मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा था कि मैं इसको ट्रांसलेट कर पाऊँ। 5 घंटे लगे इस सेशन को बनाने में, आप लोग के लिए भले से आसान चीज़ होगी लेकिन देखने में, लेकिन काफ़ी वक्त दिया मैंने इसे, क्योंकि पहले पहला सेशन था जिसलिए इतना समय लगा। कल से इतना समय मुझे नहीं लगेगा और मैं सुबह आप लोग के लिए सेशन लेकर हाजिर रहूँगा, ठीक है? तो देखते हैं, एस स्प्रिंटर दुती चंद, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। वेन गोल्ड इन वुमेंस 200 मीटर इवेंट, जो जो महिला धावक है दुती चंद है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें? वुमेन्स 200 मीटर इवेंट में एट द 59th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019, 2019 की जो 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि रांची में हुई, उसमें इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। दुती क्लॉक्ड 23.17 सेकेंड्स टू क्रॉस द फिनिश लाइन इन द इवेंट, उन्होंने 23.17 सेकेंड में अपनी दौड़ को पूरा कर लिया था, ठीक है? ये आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, सॉरी ये दुती चंद है, ठीक है? नेक्स्ट, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज, मैंने बताया ना आपको, जो देश में और विश्व में, पूरे विश्व भर में जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं वो अलग अलग अपना एस्टिमेशन देती रहती हैं। तो यहाँ भी ये भी खबर वही है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज कट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2019-20 के लिए, जो पहले उन्होंने फोरकास्ट किया था उसको कम किया और 5.8% बताया कि अब 2019-20 के लिए 5.08 ही रहनी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि पहले अर्लियर एस्टिमेटेड ऑफ 6.2%, जो कि पहले उन्होंने 6.2 एस्टिमेट की थी, अब उसको घटा करके 5.8 पे ला दिया है। तो मैंने आपसे कहा ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके की अलग अलग अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट करता है हर बार, जब तक कि वो फाइनलाइज ना हो जाए, ठीक है? तो ये फ्लक्चुएशन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं लिस्ट आपको कोशिश करूँगा कल तक प्रोवाइड करने की, ठीक है? तो ये फिलहाल आज 14 खबरों का हमारा एक छोटा सा सेशन था, एक कोशिश थी। देखिए, जो कल की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपको सारी दी, ठीक है? सेशन पर डे और बेहतर होता ही जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूँगा आपके लिए। कैपिटल करेंसी सब कुछ याद कराऊँगा। आज का सेशन नॉर्मल रहा, लेकिन कल जब हम आएंगे तो हमारी मुलाकात होगी तो पहले इन 13 न्यूज़ पर 13 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, ऑप्शन ऐसे रखूँगा जिससे और भी चीज़ें हमारी तैयार होती रहें। उसके बाद पूरा सेशन खत्म होने के बाद, जैसे आज मैंने वो चीज़ नहीं दी लेकिन कल स्टैटिक मैं आपको दूंगा, अलग अलग कंट्रीज़ के कैपिटल वगैरह, करेंसी वगैरह और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबली चल रही हैं उनके बारे में जानकारी, और स्टेट ऑफ द डे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो धन आज का मैं आपका जो सेशन